गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मनीष, हेरॉन, आकाश, दिबांजलि, कार्तिक, नितिन, आस्था, तपस्विनी, एसएससी एक वॉर, विकी, पूजा, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग. अंस्केत आस्था, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मधु, पूजा, मिथुन, सुशांत, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग आर के एम, साक्षी, ऋषिका, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग. चलो वेलकम टू ऑल माई वॉरियर्स. पहले तो बता दूं, मैंने टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया है, ठीक है. टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ठीक है. टेलीग्राम का दो लिंक है, ठीक है. एक तो टेलीग्राम का नॉर्मल वाला लिंक, एक चीज याद रखना, अच्छा कल मैं उसका लिंक पिन कर दूंगी, पहले मेरी बात को सुन लो. दो टेलीग्राम है, ठीक है, दो टेलीग्राम है. हाँ, एक प्लस वाले बच्चों का है, एक प्लस वाले जो जितने भी अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं उनका टेलीग्राम है, ठीक है, अनअकैडमी के स्टूडेंट्स का है. और आज जो मैंने अभी पिन किया है, अभी मैंने जो पिन किया है वो अनअकैडमी डाउट ग्रुप है, ठीक है, अनअकैडमी डाउट ग्रुप को पिन किया है. और कल मैं टेलीग्राम का एक और टेलीग्राम है जो जनरल है, सारे बच्चों के लिए, इंग्लिश विद रानी मैम, इसमें भी जुड़ना जरूरी है ताकि आप क्विज अटेम्प्ट कर पाओ. इसका लिंक मैं मंडे को पिन कर दूंगी, और इससे तो जुड़े भी होंगे बहुत सारे बच्चे. ओके, इंग्लिश विद रानी मैम वाला टेलीग्राम पे जुड़ना इसलिए जरूरी है ना, उसमें हर दिन 9:30 बजे क्विज आता है. ओके, एवरी डे विदाउट फेल यू हैव अ क्विज ओवर देयर एट 9:30. तो आप उसको भी अटेम्प्ट करना. और ये तो अनअकैडमी का सारा है. ओके, तो अभी आज मैंने अनअकैडमी प्लस का डाउट ग्रुप किया, तो वहां से आप जुड़ जाइएगा, जुड़ जाइएगा. सुबह में नहीं, अभी 9:30 बजे. 9:30 बजे आपकी क्लास खत्म होती है ना, 9:30 बजे क्विज आता है, क्विज को अटेम्प्ट करिएगा हर दिन 9:30 बजे रात को, पीएम में. अच्छा, 9:45 को आता है. ओके, चलो ठीक है, अच्छा किया है ना, 9:45 में आता है, अच्छी बात है. 9:30 बजे, ओके. पहले 9:30 आता था, 9:45, अच्छी बात है. 15 मिनट्स में आप लोग अपना डिनर कर लोगे, फिर क्विज अटेम्प्ट करना. ओके, चलो रजत, गुड इवनिंग. पायल, तपस्वनी, सबको गुड इवनिंग. सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे दिया. चलो स्टार्ट किया जाए. और मैंने इस बैच के अपडेट में, आज ये समुद्र मंथन के बैच में, मैंने सुबह में अपडेट में आपका रूट वर्ड डाल दिया है, ठीक है. रूट वर्ड का A4 जो ड्रामा करते हो वो डाला हुआ है रूट वर्ड का, ठीक है. और फिक्स प्रेपोजिशन डाला है, पहले तो फिक्स प्रेपोजिशन का लेसन डाला है, पहले तो सीखना है, उसके बाद फिल अप द ब्लैंक्स करना है. इसको A4 की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा है. ओके, टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, तो जो बच्चे हमारे नए हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे. और अपडेट, आप जिस बैच में हो ना, समुद्र मंथन बैच, उसमें अपडेट है, 3 डॉट वाला मिलेगा, और वहां पे एक अपडेट सेक्शन है, अपडेट सेक्शन में सारे पीडीएफ सबको मिलेंगे, ठीक है. ओके, चलो अब स्टार्ट किया जाए. A4 क्या है पता नहीं, A4 B4 मैंने डाल दिया, A4 कुछ होगा, आप लोग डिमांड करते हो तो डाल दिया. A4 साइज में मांग रहे हैं, वो फोटो कॉपी करवाना चाह रहे हैं उसमें से, फोटो कॉपी. लिंक क्या है, क्या बोल रहे हैं, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, A4 साइज होता है, वो मुझे पता है, A4 साइज में डालने के लिए. हाँ, किसका बर्थडे आज, किसका बर्थडे है? अच्छा, चलो हैप्पी बर्थडे, धीरज का है. मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे धीरज, मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड. धीरज को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए सब, ताकि उनको मनपसंद जॉब मिल जाए. और हमेशा कीप स्माइलिंग धीरज जे है, कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, ठीक है. आशी का तो सुबह में सबका हो गया, सुबह वाले लोग का बर्थडे हो गया. चलो अब स्टार्ट किया जाए, ठीक है, आगे स्टार्ट किया जाए. हमने ऑगमेंट तक कर लिया था, एरुडाइट भी कर लिया था, एरुडाइट का मतलब है विद्वान एंड वो सब कर लिया था. एसवेज भी कर लिया था, ठीक है, एसवेज भी कर लिया था. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज टर्मोइल, ठीक है. चलो फटाफट इसको कर लेते हैं. टर्मोइल को कैसे याद रखोगे? टर्मोइल का हिंदी लिख लो उथल पुथल, ठीक है, उथल पुथल एकदम डिसऑर्डर, अफरा तफरी, उथल पुथल हिंदी में लिख लो. ओके, डिसऑर्डर. हाँ, देखो टर्मोइल, ऑयल से याद रखो, ऑयल. और फिक्स प्रेपोजिशन होगा, फिक्स प्रेपोजिशन भी होगा दिव्या, ये वर्ड तो जरूरी है ना, इसके बिना कैसे होगा. ये देखो ऑयल का प्राइस थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, तो पूरे विश्व में डिसऑर्डर हो जाता है. यस, ऑयल फेल क्या है, ऑयल का प्राइस, तेल की कीमत थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है तो पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है. ऑयल से फिसल गया, अच्छा.
हाहाकार मच जाता है, हाँ हाहाकार मच जाता है। सबसे पहले तो ये वोकैब का बैच है और फाउंडेशन बैच 16 जून से आ रहा है, ठीक है। जो बच्चे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं ना बेसिक से, प्री प्लस मेंस का बैच आ रहा है 16 तारीख से, ओके 16 जून को इसकी टाइमिंग होगी 3:30 to 5। ये तो वोकैब का बैच, वोकैब का बैच है। हाँ क्लोस्टर्स का भी आ जाएगा, अभी क्लोस्टर्स का लॉन्च नहीं हुआ है, आ जाएगा वो तो याद रखना है। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, डिसऑर्डर, केओस, केओस पूरा, ओके ऑयल का प्राइस अगर इधर उधर होता है ना तो पूरे विश्व में डिसऑर्डर फैल जाता है। केओस, इसको चेओस मत पढ़ना, केओस तो सबको पता है। वैसे क्या निमोनिक बनाओगे केओस का? वैसे केओस वर्ड तो हम लोग अक्सर यूज ही करते हैं। केओस, केओस का मतलब केओस, केओस को कैसे याद रखोगे केओस को? हाँ भाई भसड़ मचा दिया है, टर्मोइल हो गया है। गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, याद रहेगा ना? ओके याद रहेगा। चलो केओस, कंफ्यूजन भी पता है सबको और डिसऑर्डर भी पता है, ठीक है डिसऑर्डर भी सबको पता है, ये तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अपरोर, अपरोर जब जब जंगल में शेर गरजता है, रोर करता है, तो पूरे जंगल में अफरा तफरी फैल जाती है, सब जानवरों के बीच में डिसऑर्डर, अफरा तफरी, कंफ्यूजन, सब डर जाते हैं। तो अपरोर का मतलब भी होता है डिसऑर्डर, टोटल केओस, डिसऑर्डर, उथल पुथल। एजिटेशन भी पता है, एजिटेशन तो सबको पता ही, एजिटेशन सबको पता है। टर्बुलेंस वर्ड कैसे याद रखोगे? प्लेन, जब मौसम खराब होता है तो प्लेन में टर्बुलेंस आता है, ओके प्लेन ऐसे ऐसे होने लगता है, तो इसको टर्ब वर्ड से याद रखो। टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, डर्ब, टर्ब, डिस्टर्ब में भी टर्ब वर्ड होता है ना, एक वर्ड होता है परटर्ब, परटर्ब में भी टर्ब वर्ड होता है। टर्ब, टर्ब का मतलब ही होता है डिस्टर्ब होना, तो टर्बुलेंस का मतलब भी प्लेन बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ओके टुमल्टुअस, टुमल्टुअस का मतलब इसको कैसे याद रखोगे? इसका निमोनिक बनाइए, टुमल्टुअस कैसे याद रखना है? ये टेलीग्राम का लिंक शिखा, टेलीग्राम का डाउट वाला बैच का लिंक है, चलो टेलीग्राम का लिंक किया है मैंने। टू मच, हाँ टुमल्टुअस बोलते हैं ना, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, ये बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा आपने डिसऑर्डर, टुमल्टुअस बहुत ज्यादा डिसऑर्डर फैला दिया है। हाँ तुम उल्टा सीधा, अच्छा हाँ तुम, टुमल्टुअस, टुमल्टुअस, तुम उल्टा, ज्यादा उल्टा सीधा मत बोलो, ऐसे ही तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, बहुत क्रिएट हो गया। डिस एरे, डिस एरे, उथल पुथल लिखो ना, हिंदी लिख के भेजो भाई इसको, अफरा तफरी, उथल पुथल, डिसऑर्डर, कैसे लिखते हैं? उथल पुथल, उथल उथल पुथल, ऐसा ऐसा कुछ लिखो, उथल पथल क्या है होता है, लिखो इसको हिंदी में, सब हिंदी आएगा, उथल पुथल आएगा, उथल पुथल, पुथल ठीक तो लिखा था, हाँ ठीक ही लिखा है, ऐसा वाला हो, हिंदी थोड़ी आएगा वो अपनी, मैं जब बोल रही हूँ उथल उथल, हाँ वो लिख लीजिए, ठीक है उथल पुथल। टुमल्टस, टुमल्टस, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, अब आप डिसऑर्डर करना बंद करो। एरे, डिस एरे कैसे याद रखोगे? डिस एरे, अच्छा एरे, एरे का मतलब होता है ना अरेंज किया हुआ है, अरेंज्ड है, एरे का मतलब है अरेंज है, चीजें अरेंज है, और डिस एरे मतलब डिसअरेंज्ड है, डिसअरेंज है मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, कंफ्यूजन में है, ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, अनअरेंज्ड है। दूसरा अनरेस्ट, अगर आप रेस्ट, आप ये मत सोचना कि अरेस्ट का मतलब आराम करना, अनरेस्ट मतलब आराम नहीं करना, अनरेस्ट, द अनरेस्ट, द अनरेस्ट मतलब होता है पॉलिटिकल अनरेस्ट, राजनीतिक उथल पुथल। जब आप रेस्ट नहीं करते हो ना तो क्या होता है, रेस्ट नहीं करते हो तो आप एकदम डिसऑर्डर में रहते हो, एकदम कंफ्यूजन में रहते हो, दिमाग काम नहीं करता है, अनरेस्ट कंडीशन होता है जहां पे चीजें एकदम टॉपसी टर्वी है। अपहीवल, अपहीवल कैसे याद रखोगे? अपहीवल, हीवल, हीवल, अपहीवल, अपहीवल, वो अपहीवल, हेवन, 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 हीवल है ना, हेवन, हेवन, हेवन में राजगद्दी, हेवन में देवताओं के बीच में अफरा तफरी, हेवन में देवताओं के बीच में कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है कि कौन हेवन का किंग बनेगा, हेवन में उथल पुथल है, हाँ हेवन में उथल पुथल चल रहा है राजगद्दी को लेकर, वहां भी लड़ाई होता है कौन बनेगा, शिव जी बनेंगे या विष्णु जी रहेंगे ऊपर। मेहम, मेहम, मे के मंथ में, मे के मंथ में बहुत गर्मी रहती है, ठीक है, मे में, मे के मंथ में बहुत गर्मी रहती है और लोग एकदम गर्मी से एकदम कंफ्यूजन में रहते हैं, उथल पुथल, डिसऑर्डर में रहते हैं। बेडलेम, बेडलेम, टीचर आपको बोलते हैं ना, मदर आपको बोलते हैं बेडलेम, बेड पे से बुक फैला कर रखा हुआ है, आप कभी कभी आप क्या करते हो ना, पढ़ते लिखते तो काम हो, पूरे बेड पे बुक फैला के रखते हो, तो बेडलेम पूरे बेड पे बुक इधर उधर फैला के कंफ्यूजन, डिसऑर्डर क्रिएट किया गया, किया।
ओके हाँ, कंफ्यूजन में पढ़ना लिखना है नहीं, से बुक्स फैला दिया है। पैंडिमोनियम, पैंडिमोनियम ये तो मैं रूट में भी करवाऊंगी आपको। पैंडिमोनियम देखो, पैंडिमोनियम का बता रही हूँ। एक तो ऐसे याद रखो, डेम, डेम का मतलब होता है लोग, लोग लोग लोग, डेम का मतलब होता है लोग, और पैन का मतलब है ऑल, भारी संख्या में सारे लोग एक जगह आ जाएंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। ओके हाँ, भारी संख्या में लोग एक जगह आ जाएंगे। पैन का मतलब होता है ना, जैसे पेंडेमिक, पेंडेमिक पूरा फैला हुआ है, पेंडेमिक से भी याद कर सकते हो अभी तो और अच्छे से याद। इसको याद करने का दो तीन तरीका है, ठीक है, याद करने का दो तीन तरीका। एक तो याद रखो डेमन, डेमन का मतलब है राक्षस। जब राक्षस आता है, राक्षस आएगा तो क्या करेगा, पूरा डिसऑर्डर फैला देगा, राक्षस तो शांति से जाएगा नहीं, डिसऑर्डर कर देगा। एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा याद रखो पैन, पैन का मतलब है ऑल, और डेमन का मतलब सॉरी डेम, डेमोक्रेसी होता है ना, डेम का मतलब ही होता है डेमोक्रेसी, डेमो देना, पीपल, ऑल पीपल एक जगह इकट्ठा हो गया तो डिसऑर्डर हो जाएगा। और पैंडेमिक तो पता ही है, पैंडेमिक, इस कोरोना पैंडेमिक ने पूरे विश्व में केओस, कंफ्यूजन, उथल पुथल, पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। पांडे जी बहुत डिसऑर्डर में रहते हैं, अच्छा ठीक है, पैंड पांडे, इसको तो कितना दो तीन तरीका बता दिया। हाँ पांडे जी डिसऑर्डर फैला के रखते हैं, ये हो गया। टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी का मतलब भी हो ना, टॉप का चीज नीचे, नीचे का चीज ऊपर, उथल पुथल, उथल पुथल हो जाना, ठीक है। कमोशन, कमोशन, कमोशन तो सबको पता है, ठीक है, कमोशन का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा मोशन, लोगों का मूवमेंट हो रहा है, इधर उधर कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन, भगदड़ मच गया, ये तो कर दोगे। हल्ला, हल्ला बलू, हल्ला बलू, हल्ला बलू को याद कर लो, हिंदी का वर्ड है हल्ला, हल्ला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला हल्ला कर रहे हैं, और हल्ला कर करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, हल्ला बोल। रकस, रकस तो न्यूज़पेपर का फेवरेट वर्ड है। ये सब ना सारे लीडर्स ने, सारे लीडर्स ने मिलके कोरोना पे एक रकस, रकस क्रिएट कर दिया है। राक्षस, राक्षस, रकस, राक्षस आके क्या करते हैं, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। रॉकस भी कर सकते हैं, रकस भी होता है, एक रॉकस भी होता है, ये भी वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन ये दूसरे जगह है, ये दूसरा वाला शीट जो पुराना वाला है ना उसमें से भी करेंगे आप, ठीक है। रॉकस, वो तो रॉकस, वो तो शोर शराबा है ना, वो शोर शराबा में करवाया था मैंने, ठीक है। और शैम्बल्स, शैम्बल्स याद रखना, शैम्बल्स, शैम्बल्स कैसे याद करोगे, शैम्बल कौन से वर्ड के, मतलब वो पूरे शैम्बल में, पूरे कंफ्यूजन में, डिसऑर्डर, कैसे कैसे याद रखोगे, कैसे कैसे। शेम, शेम में लोग, शेम, अच्छा शेम में जंबल्ड है, हाँ जंबल्ड है, शैम्बल और जंबल, कोई भी चीज एकदम जंबल्ड है, जंबल्ड है मतलब डिसऑर्डर में है, उसको अरेंज करना है, उसको जंबल्ड वर्ड्स होता है ना, जैसे जंबल्ड सेंटेंसेस आते हैं, जंबल सेंटेंसेस आते हैं, आपको अरेंज करना होता है, पहला कौन है, दूसरा है, तो ये जंबल्ड है मतलब एकदम कंफ्यूजन में, आपको इसको अरेंज करना है, तो शैम्बल, शैम्बल, जैसे PQRS। ओके ये याद रखना, ये गैम्बल याद कर लो, गैम्बल, जो गैम्बल वाला जगह था ना, जुए खाना, वहां पे पुलिस ने आके, पुलिस का रेड पड़ा, और ये जो गैम्बल जहां चल रहा था सब शैम्बल में बदल गया। ओके सारा पुलिस ने डिसऑर्डर कर दिया, ये सब बहुत मजे में वहां पे गैम्बलिंग कर रहे थे। चलो ये तो हो गया, कमोशन ये सब कर लिया, और इसका सिनोनिम्स इजी है, सॉरी इसका एंटोनिम्स इजी है, इसका एंटोनिम्स में कोई खास दम नहीं है, जो है सिनोनिम्स में क्या है। नेक्स्ट वाला, द सिटी इज इन शैम्बल्स, द सिटी इज इन, हाँ ये तो पीस है, हार्मनी है। अच्छा अगर मैं आपसे पीसफुलनेस है, मैंने दोनों लिखा है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीस एंड पीसफुलनेस, आप बोलोगे कि जब आपने पीस लिखा ही था, पीस भी नाउन होता है, पीस भी नाउन होता है, और पीसफुलनेस ये भी नाउन होता है, दोनों में क्या, ना ना वर्ब नहीं है, वर्ब पीस वर्ब थोड़ी होता है, पीस हमेशा नाउन होता है, पीस और पीसफुलनेस में क्या डिफरेंस है। अगर अगर दो लोग, अगर दो लोग, एक मिनट, वो तो शांतिपूर्वक तो पीसफुली होता है, अरे दोनों भाववाचक संज्ञा है, पीस का मतलब भी है एब्स्ट्रैक्ट शांति, ठीक है, और पीसफुलनेस ये भी भाववाचक संज्ञा है, दोनों भाववाचक संज्ञा है, बस बताओ। अगर अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है शांतिपूर्ण, अच्छा रुको रुको रुको, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो मैं दोनों को बोलूंगी ना कि पीस मेंटेन करो, दोनों के अगर अगर कोई क्लैश हो रहा है, पीस मेंटेन करो, पीस मेंटेन करो। लेकिन कोई जगह बहुत शांतिपूर्ण है तो उसको क्या बोलोगे, कोई प्लेस के लिए हम पीसफुल बोलते हैं, पीसफुलनेस प्लेस के लिए, बोले इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस, दिस प्लेस इज नोन फॉर इट्स पीसफुलनेस, ये प्लेस अपनी शांति के लिए जाना जाता है, ये जो पीस है ना ये लोगों के लिए, पीस, पीस मेंटेन करो लोगों के लिए यूज करते हैं। और कोई जगह बहुत शांति वाला है, हरिद्वार इज अ पीसफुलनेस प्लेस, नहीं बोलोगे पीसफुल प्लेस, क्योंकि वहां तो एडजेक्टिव चाहिए ना, वहां तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। हाँ देखो
ये सब ना, ये सब ड्रामा एकदम मेरे सामने नहीं करना है कि मैम हिंदी लिखिए, सबका सबका हिंदी लिखिए, मीनिंग समझा दिया है, ये पीस पर्सन के लिए है, दो लोगों के बीच में शांति, और ये जगह के लिए। अरे मैं सबका हिंदी कहाँ से लिख दूँ, सबका मतलब तो शांति ही होता है, सबका मतलब शांति ही होता है, तो हिंदी में कहाँ से आएगा। हिंदी में कुछ करके ना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लोटस टेम्पल है, अब क्या बोलू मैं, सीरिनिटी करवाया है आपको, सीरीन, सीरीन भी करवाया, सीरीन का मतलब होता है बहुत जान, बहुत शांति जहां पे, बहुत सीरीन प्लेस है। कैसे याद रखोगे सीरीन को, सीरीन को कैसे याद रखोगे, सीनरी बहुत शांत है। अच्छा श्री, हाँ श्री श्री बोलते हो तो मन में बहुत शांति आती है, श्री श्री श्री, सिरिंज पढ़ने के बाद शांत हो गया। अच्छा सिरिंज, सिरिन, सिरिंज, सिरिंज पढ़ने के बाद, इंजेक्शन पढ़ने के बाद बेचारा शांत हो गया, शांत हो गया। और ट्रैंक्विल तो कल ही बताया था, ट्रैंक्विलाइजर शांति के सेंस में, और प्लासिड बताया ही है, ये मैं आज रूट वर्ड में भी आपको करवाऊंगी। प्लैक, प्लैक का मतलब भी होता है साइलेंस, किसी को शांत करना, तो प्लासिडिटी मतलब शांत, और क्वाइट्यूड, क्वाइट्यूड इसका मतलब भी होता है शांति, शांति। एक ये हो गया शांति वाला, अब जल्दी से बता दो कंफ्यूजन का इडियम्स कर लेते हैं, अभी हमने किया था ना केओस, केओस का मतलब है कंफ्यूजन, ठीक है, केओस का मतलब है कंफ्यूजन। क्विज का लिंक कहाँ से मिलेगा, क्विज का लिंक थोड़ी है, क्विज का टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे कल पर, मतलब नेक्स्ट क्लास में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी, ये तो डाउट का है, आप क्विज देना, क्विज का लिंक नहीं हो तो टेलीग्राम पे आता है, ठीक है। क्वाइट है, प्लासिड है, आप कमेंट्री में सुनते हो ना, कमेंट्री में कमेंटेटर बोलते हैं जो पिच है, क्रिकेट का पिच है, बहुत प्लासिड है, मतलब उछाल कम है, बाउंसी पिच नहीं। कल कल मैंने आपको ट्रैंक्विलाइजर बताया था ना, जो लोग पागल खाने में लोगों को ट्रैंक्विलाइजर दे दिया जाता है इंजेक्शन में डाल के उसको शांत करने के लिए, एनिमल्स के लिए भी होता है और लोगों के लिए भी होता है, लोगों के लिए भी होता है। चलो ये तो कितनी बार हमने क्लास में किया है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का इडियम्स क्या है, जब मैं उसके घर गया तो हर हाउस वॉज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, अब ऐसा नहीं है कि उसका घर छह और सात में था, पूरा मिला के 13 था, तितर बितर था, तितर बितर था मतलब दैट वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, कोनैंड्रम भी बोल सकते हो, डोलड्रम है, कंफ्यूजन है, सब है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट है एसएससी का, एट वंस विट्स एंड, एट वन विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूजन में होना, कंफ्यूज होना, कंफ्यूज। एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब ये मत सोचना कि बेचारा का लॉस हो गया, एट अ लॉस का मतलब है आश्चर्यचकित। इन अ फिक्स बोलते हैं ना, एक ही जगह पे फिक्स खड़ा रह गया, उसको समझ में नहीं जा रहा था, चिपक के एक ही जगह पे फिक्स खड़ा हो गया, सरप्राइज। एट सी, समुद्र के बीच में आपको कोई छोड़ दे, एट सी तो समुद्र के बीच में छोड़ दे तो आप तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, डोलड्रम में रहोगे। डायलेमा तो सबको पता है, कैच 22 सिचुएशन भी वही सिचुएशन होता है, एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है जहां पे यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, यू आर टोटली कंफ्यूज्ड इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। चिकन एंड एग सिचुएशन, ये लोग हम लोग बोलते हैं ना, पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, मुर्गी या अंडा आया, तो वो सिचुएशन है, कंफ्यूजन है कौन सा पहले आया, अच्छा चिकन खाए या अंडा खाए, इसमें कंफ्यूजन है। इन अ फ्लटर, ये भी कई बार पूछा है, इन अ फ्लटर, 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 फ्लटर का मतलब भी होता है, कैसे याद करोगे फ्लटर, इडियम्स तो याद करना होगा ना, अब हर का निमोनिक थोड़ी बनाओगे, रटना होगा। फ्लटर, फ्लटर, फ्लटर मतलब नर्वस होना, कंफ्यूजन होना, फ्लटर में रहना, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बहुत नर्वसनेस और कंफ्यूजन का कॉम्बिनेशन है, फ्लर्ट कर रहा है, अच्छा ओके, फ्लटर कर रहा है, सामने वाले को फ्लर्ट कर रहा है, कंफ्यूज है किसको फ्लर्ट, किसके साथ फ्लर्ट, फ्लूट फ्लर्ट मत करो नहीं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। अल्फाबेट सूप, एक सूप है, इसके पीछे एक कहानी है, मैंने यूट्यूब पे बताई थी इसका, एक सूप है, अब सूप बना के दिया है कप में, उसमें ए बी सी डी सब अल्फाबेट डाल दिया है, बच्चा बेचारा, बच्चा को बोला चलो ए अल्फाबेट का वर्ड निकालो, बी का निकालो, बच्चा कंफ्यूज है, सूप में से अल्फाबेट निकालना, अल्फाबेट सूप, हाँ खिचड़ी बन गया, अल्फाबेट सूप वही होता है, अल्फाबेट सूप बना दिया, अल्फाबेट खिचड़ी बना दिया, कंफ्यूजन कर दिया। ये भी कर सकते हो, हाँ इसमें आप बिटवीन द, एक और लिख लो, और लिख लो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वो भी लिख लो, अल्फाबेट देख कर, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ना, वो थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन के लिए भी होता है, गंभीर दो गंभीर समस्या के बीच है वो, कहां जाओ, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं वाला है, असमंजस। और साइलेंस वाला याद रखना, तुम साइलेंस में रहना, देखो दो तरह का होता है डिसऑर्डर, एक तो डिसऑर्डर उथल पुथल भी होता है, एक कोई भी चीज डिसऑर्डर में अस्त व्यस्त है, तो डिसऑर्डर का दो मतलब निकलता है, लोगों ने डिसऑर्डर मचा के रखा है, ओके लोगों ने डिसऑर्डर मचा के रखा है, अफरा तफरी, और आपका घर डिसऑर्डर में है तो उसको क्या करोगे, जैसे एट सिक्सेस एंड सेवेंस होता है ना,
एट सिक्सेस एंड सेवेंस, विट्स का मतलब बुद्धि होता है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब तो अस्त व्यस्त, लेकिन जब मैं उसके घर गया ना तो इट वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब एकदम प्रॉपरली अरेंज था, प्रॉपरली अरेंज था। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन का मतलब ना कोई भी चीज बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से अरेंज है। ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या है, ये एक शांति का प्रतीक है, ऑलिव ब्रांच, ऑलिव, ऑलिव ट्रीटी, पीस, पीस, पीस। ओके तो हाँ बस एक और वर्ड कर लेते हैं फटाफट, स्लिपशॉट, स्लिपशॉट याद रखना, स्लिपशॉट एडजेक्टिव है, स्लिपशॉट का मतलब होता है क्या बोलते हैं, लापरवाह लिख लो, बहुत केयरलेस है, केयरलेस है, लापरवाह, लापरवाह लोग को बोलते हैं, बहुत केयरलेस है, उसके दिमाग से स्लिप हो गया, और उसके दिमाग से हर चीज ना स्लिप कर जाता है, क्यों, केयरलेस बच्चा है भाई, दिमाग से स्लिप हो गया और लापरवाही में इतना बड़ा गलत काम कर दिया। व्हाइट फ्लैग ना, व्हाइट फ्लैग अलग है, व्हाइट फ्लैग में आप सरेंडर करते हो, हार मानकर आप व्हाइट फ्लैग दिखा दिया, सरेंडर। हाँ मॉर्निंग वाले क्लास में इतने वर्ड्स नहीं थे ना, वहां पे इतने वर्ड्स ये सब नहीं थे, वो तो एक वर्ड बताया था। ओके स्लिप शॉट का मतलब भी होता है लापरवाह होना, दिमाग से स्लिप हो गया। ये वर्ड्स नोट नहीं करने हैं, ये वर्ड्स नहीं नोट करने हैं जो अलग अलग मैं लिख रही हूँ निमोनिक्स बना के, एनोटेशंस नोट कर रहे हैं, एनोटेशंस। ओके तो स्लिप, स्लिप शॉट मतलब दिमाग से स्लिप हो गया, लापरवाही, लापरवाह आदमी हर चीज इसका दिमाग से स्लिप हो जाता है। रेकलेस तो सुना है, रेकलेस, रेकलेस, रेकलेस का मतलब ही होता है रेकलेस ड्राइविंग मत करो, केयरलेस, केयरलेस, लापरवाह, लापरवाह होता है लापरवाह। जिसके घर में डॉग्स होते हैं वो बोलते हैं ना, लिखा हुआ मिलता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर मतलब डॉग से सावधान रहो, तो इसी वर्ड से वरी निकल के आया, वरी का मतलब होता है सावधान, देखो वरी का मतलब है सावधान, बट अनवरी का मतलब है लापरवाह, केयरलेस, 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 केयरलेस। यस और बता रही हूँ, और बता रही हूँ, एक वर्ड याद रखना सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना, निगरानी में रहना। ये देखो कैसे याद करोगे, इंस्पेक्ट से याद करो, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन करते हैं ना इंस्पेक्टर लोग, एग्जामिन करते हैं बहुत अच्छे से, इंस्पेक्शन होता है। ओके इंस्पेक्ट करना मतलब बहुत ज्यादा सब तरफ देखना, इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं, एग्जामिन करते हैं बहुत बारीकी से, तो इंस्पेक्ट किया जाता है बहुत, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट कहाँ चला गया, नहीं लिखा है इसमें, नहीं वो पीछे वाले में होगा, अच्छा वो तो ये वर्ड में होगा ना, वो तो सर्कमस्पेक्ट, वो तो इसके एंटोनिम में होगा, सॉरी मैं तो सिनोनिम्स कर रहे हैं। हीडलेस, टीचर आपको बोलते हैं पे, पे हीड, पे हीड टू योर स्टडीज, इसका मतलब क्या है, पे हीड मतलब पे अटेंशन, हीड मतलब हेड लगाओ, अपना दिमाग लगाओ पढ़ाई में, ठीक है, अटेंशन, पे अटेंशन ऑन योर स्टडीज नहीं होता, पे अटेंशन टू योर स्टडीज, टू योर स्टडीज, टू, टू, तो उसी वर्ड से बना है हीडलेस। हीडफुल का मतलब है ध्यान देना, और हीडलेस ध्यान नहीं देना, नेग्लेक्टफुल होना, और ये भी पता है रैश ड्राइविंग मत करो, रैश मतलब लापरवाही से ड्राइविंग मत करो। रेमिस, रेमिस कैसे याद करोगे, इसका मतलब भी होता है ना केयरलेस, केयरलेस, मिस कर दिया, अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी केयरलेसनेस, केयरलेस एटीट्यूड की वजह से उसने मिस कर दिया, किसी चीज को मिस कर देना। रमेश लापरवाह है, कहां से इसमें रमेश आ गया, मिस द अपॉर्चुनिटी, यस मिस, उसने अपॉर्चुनिटी को खो दिया अपनी लापरवाही के कारण, रमेश आ गया, अपॉर्चुनिटी, रमेश का नाम याद आ रहा। देखो एक तो लैक्स का मतलब ना, लैक्स का मतलब लेजी भी होता है, ओके, एक लेजी के सेंस में भी जाता है, और एक लैक्स का मतलब होता है ना मतलब अनविलिंग, उसको कोई काम कर, मतलब कोई भी काम लैक्स वे में किया मतलब बहुत मन लगा के नहीं किया, बहुत केयरलेस वे में किया, केयरलेस, केयरलेस रिलैक्स वे में किया, मतलब इसका मतलब होता है ना कोई भी पर्सन बहुत लेजी है और केयरलेस भी है, केयरलेस भी है, तो लेजी भी है, केयरलेस भी है, वेल्ला है, अनमाइंडफुल, माइंडफुल मतलब बहुत माइंडफुल मतलब ध्यान देना, दिमाग लगाना, अनमाइंडफुल तो दिमाग नहीं लगाना, केयरलेस होना। फूल हार्डी, फूल का मतलब तो बेवकूफ हो गया और ये फूल हार्डी भी है, जो फूल हार्डी लोग होते हैं ना वो दिखाएंगे हार्डवर्क करने का, बट कोई भी काम में हार्डवर्क करते नहीं है, ये केयरलेस होते हैं, केयरलेस, केयरलेस, फूल लोग केयरलेस होते हैं। बुक के अंदर फोन वाले, अच्छा हाँ वो अलग दूसरे वर्ड्स में मिल जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। परफंक्ट्री, इसका भी मतलब होता है ना कोई भी चीज केयरलेस वे में किया, लिख लो। ल्यूकवॉर्म, ना ना ल्यूकवॉर्म का मतलब केयरलेस नहीं होता, ल्यूकवॉर्म का मतलब होता है ठंडा रिस्पॉन्स देना, गुनगुना। बैकस्लाइड शो कर दीजिए। फैक्ट्री में लोग केयरलेस होते हैं,
स्टॉलिड नहीं है, वो सब अलग है, वो अलग वर्ड है, सबके बीच में माइनर डिफरेंस है। अगर आकांक्षा नोट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको ना नोट करने में 30% याद हो जाएगा। परफंक्ट्री, परफंक्ट्री लोग होते हैं फंक्शन पे ध्यान नहीं दिया, फैक्ट्री में लोग बहुत केयरलेस होते हैं। रेमिस कैसे याद रखोगे, बोला ना मैंने रिमिस, मिस, उसने मिस कर दिया, क्या को मिस कर दिया, मौका को मिस कर दिया, खो दिया, उसने मिस कर दिया, अपना मोबाइल फोन मिस कर दिया, केयरलेस है, केयरलेस है, हर केयरलेस है, कोई भी सामान को ठीक से रखता नहीं, मिस कर देता है, खो देता है। रीमिस, पुनः मिस किया, चलो पहला बार तो मिस किया उसको माफ किया जा सकता है, पहला बार तो मिस किया उसको माफ कर दिया, री पुनः मिस कर दिया, जब बार बार कोई चीज को मिस कर रहे हो ना तो इसका मतलब कि आप केयरलेस एटीट्यूड वाले पर्सन, केयरलेस हो, बार बार, एक बार मिस हो गया, बार बार थोड़ी होगा। और एंटोनिम्स आ जाइए, एंटोनिम्स में आ जाएगा जो सावधान लोग होते हैं, केयरफुल होते हैं, वरी है, मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस कैसे याद रखोगे, मेटिक्यूलस कैसे याद करोगे, मेटिक्यूलस लोग बहुत सावधान होते हैं, मिट्टी का कलश, अच्छा मेटिक्यूलस, मैट्रिक का एग्जाम, एक बोलते हैं ना मैट्रिक, मैट्रिक का एग्जाम, टेंथ वाला मैट्रिक का एग्जाम लोग बच्चों को बहुत केयरफुली देना है, मैट्रिक का जो एग्जाम होता है ना आपके लाइफ का पहला एग्जाम होता है, पहला एग्जाम होता है, उसको बहुत केयरफुली देना है। या मिट्टी का कलश, मेटिकुलस, मिट्टी, मिट्टी का कलश बहुत डेलिकेट होता है, उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, केयरफुली। मेटिकुलस का मतलब फ्रेंडली थोड़ी होता है, मिट्टी का कलश, मिट्टी, मिट्टी का कलश लिख लो, या मैट्रिक के एग्जाम में केयरफुल रहना है, मीटिंग में सब लोग केयरफुल थे, मैरिटल स्टेटस। गर्ल्स तो नोट करते हैं, गर्ल्स तो स्मार्ट है, गर्ल्स दे आर वेरी मेटिकुलस, दे आर जॉटिंग डाउन द वर्ड पावर इन अ वेरी मेटिकुलस वे, पंक्चुअलस। पंक्चुअलियस को कैसे याद रखोगे, एक तो वर्ड होता है पंक्चुअल, पंक्चुअल अलग वर्ड है, क्या करेंगे आपके एग्जाम में, एग्जाम में ये वर्ड लगा देंगे और ऑप्शन में दे देंगे प्रॉम्प्ट और ऑप्शन में दे देंगे केयरफुल, तो आप क्या करोगे ना, आप बोलोगे बहुत पंक्चुअल है, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत पंक्चुअल होते हैं, एकदम टाइम से काम करते हैं, पंक्चुअल का मतलब होता है एकदम टाइम, एकदम टाइम से, तो आप क्या करोगे ना प्रॉम्प्ट लगा लोगे, गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, ऑन टाइम रहते हैं, हाँ, लेकिन वो तो पंक्चुअल है, बट ये पंक्चुअलियस का मतलब प्रॉम्प्ट नहीं होता, पंक्चुअलियस लोग ना बहुत पंक्चुअल तो होते हैं, पंक्चुअल लोग काम को बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं, केयरफुल, केयरफुल, और ब्रो लोग तो आर्गस साइड होते हैं, केयरफुल होना, तो कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि पंक्चुअल का मतलब तो टाइम से होता है, तो ये भी कुछ उसी से रिलेटेड है, टाइम से होता है, पंक्चुअल का मतलब टाइम से होता है, और जो लोग टाइम से काम करते हैं ना, नो डाउट वो बहुत केयरफुल होते हैं। एजाइल का मतलब तो थोड़ा अलग हो गया, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, फ्लेक्सिबल भी होता है, निम्बल भी होता है, चलो विजिलेंट तो पता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है ना, विजिलेंस ब्यूरो, विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो आप पे निगरानी रखता है, केयरफुल रहते हैं, केयरफुल, केयरफुल, विजिलेंस। कंसिडर, कंसिडरेट लोग भी वही होते हैं, कंसिडर करके हर काम को सोच समझ के करते हैं, वेरी थॉटफुल होते हैं, मतलब बहुत केयरफुल होते हैं कि उनसे गलती ना हो जाए, हर काम को सोच समझ के करें, ओके। अटेंटिव है, अटेंटिव है, इंडस्ट्रियस नहीं, इंडस्ट्रियस तो हार्ड वर्किंग है, मैं भी नोट करता हूँ, अच्छा मैं सब नोट करते हैं सब हमारे स्टूडेंट्स। चैरी है, चैरी वर्ड का मतलब क्या होता है, चार वर्ड अलग है, चार का मतलब क्या होता है, चार चार का मतलब, चार का मतलब क्या हुआ, न्यूज़पेपर में ऐसा देखा होगा, चार्ड बॉडीज, चार्ड का मतलब होता है जला हुआ, जला हुआ, चार नहीं है, फाउंडेशन बैच 16 जून से, चार्ड, चार्ड बॉडीज मतलब बर्नट, 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 जला हुआ बॉडीज, ये चार का मतलब है जला हुआ, चार है, चार, फोर है, नोट डाउन से याद हो जाता है, सही बोल रहे हैं, मेरा 3 इंग्लिश रजिस्टर भर गया, जब मुझसे मिलने आओगे ना वो रजिस्टर लेके आना, लेके आना, मैं उसको यूट्यूब पे शो करूंगी, यूट्यूब पे हम लोग उस रजिस्टर को वी विल मैनिफेस्ट, डिस्प्ले करेंगे यूट्यूब पे, हाँ उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे, एविंस करेंगे, एविडेंस, एविडेंस के रूप में शो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, यस यूट्यूब पे, हाँ अनवील करेंगे, अनवील तो जो चीज ढका हुआ है, हिडन है, उसको अनबॉक्स करेंगे। कॉशियस, यस, अटेंटिव लोग हैं, ठीक है। अरे ये चैरी का मतलब ना, चार्ट का मतलब तो जला हुआ, बट चैरी को याद कर लो वरी, वरी, वरी और चैरी, चैरी, चैरी हमारे बैच में है ना, चेरी रावत, नहीं नहीं वो जेरी रावत है, सॉरी,
जेरी रावत है हमारे बैच में, बहुत बहुत केयरफुल बच्चा है जेरी रावत, चेरी है, चेरी है, पता नहीं आज आए हैं कि नहीं, चेरी ब्लॉसम। हाँ, जो लोग अपनी लुक्स को लेकर बहुत, चेरी ब्लॉसम, जो लोग अपनी लुक्स को लेकर बहुत केयरफुल होते हैं ना, अपनी लुक्स को लेकर, वो एकदम अपने शूज को चेरी ब्लॉसम से पॉलिश करते हैं। चेरी नहीं आया है। तो चारी, चेरी मत बोलना, चारी, ये दोनों एक जैसा लग रहा है ना, वरी, वरी और चारी, वरी चारी, दोनों सेम है, सेम। डिस्क्रीट तो कितनी बार किया है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, ये मैंने आपको, चलो कंफ्यूज वर्ड में भी करना है हमें, डिस्क्रीट, उसने काम को बहुत डिस्क्रीट वे में किया। कुछ को तो ये देख के लग रहा है होगा ना कि डिस वाला वर्ड तो नेगेटिव होता है, बट डिस वाला वर्ड कुछ ऐसे 20% वर्ड ऐसे है जो डिस से शुरू हो रहा है बट फिर भी पॉजिटिव है। तो डिस्क्रीट वे में काम किया मतलब बहुत केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल। और ये डिस्क्रीट का मतलब क्या है, हम इसको कंफ्यूज वर्ड में करेंगे। ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब कोई भी चीज सेपरेट है, अलग अलग, और अलग अलग होने की वजह से वो चीज बहुत क्लियर है, क्लियर। कॉशियस तो पता ही है, हीडफुल भी पता है, हीडलेस मतलब ध्यान मत लेना, ऑब्जर्वेंट होना, ध्यान देना। तो ये हो गया, अब इसका जल्दी से आ जाओ, केयरफुल का। आर्गस आई, आर्गस आई, आर्गस वाली नजर रखनी है। आर्गस आई का मतलब होता है ना बहुत वॉचफुल, एकदम तत्पर होना, विजिलेंट रहना, विजिलेंट रहना, विजिलेंट। आर्गस आई आइड वाले लोग उसको, आर्गस इज गॉड, हाँ, अर्जुन की तरह, हाँ, अर्जुन की तरह एकदम निशाने पे ध्यान लगा के रखना है, एकदम तत्पर रहना। ऑन द बॉल तो उस दिन बोला ही था मैंने, उसमें अटेंटिव होना, केयरफुल रहना, बॉल आ रहा है मारना है। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मैंने आपको वो वाला इडियम्स में है, ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स में लिखवाया था, अटेंटिव, अटेंटिव, अटेंटिव। ऑल ईयर्स का मतलब, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ एक लेंड मी योर ईयर, लेंड एन ईयर, लेंड एन ईयर, या लेंड ईयर्स, हाँ मतलब ईयर, अपना कान उधार में दो, अपना कान उधार में दो मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आर्गस, आर्गस वॉज नॉट एन गॉड, मतलब वो गॉड लोग, गॉड इन द फॉर्म ऑफ डेमन वगैरह भी तो वही थे, राक्षस और गॉड, डेमन, डेमन थे, डेमन था, डेमन, डेमन राक्षस, सेटन वगैरह जैसा था ना, ईविल कैरेक्टर्स, ईविल कैरेक्टर्स, डेमन गॉड, हाँ राक्षस के देवता वही होते हैं, ईगल आइड। वॉक ऑन एग शेल्स, वॉक ऑन एग शेल, एग होता है ना, एग का जो शेल होता है, देखते हो कितना नाजुक है, उस पर अगर आप चल रहे हो तो वो तो एकदम तुरंत चकनाचूर हो जाएगा। तो वॉक ऑन एग शेल का मतलब होता है कोई चीज को लेकर बहुत केयरफुल होना, और खासकर, खासकर अपनी बातों को और अपनी एक्टिविटीज को लेकर केयरफुल होना। ओके, और कीप अ वेदर आई, वेदर आई मौसम पे नजर रखना, ताकि मौसम पे नजर रखना है ताकि बारिश ना हो और कपड़े गीले ना हो जाए, तो वेदर पे नजर रखना, केयरफुल होना, आर्गस आई सब केयरफुल रखना, ईगल आई भी होता है ये तो, ईगल आई भी होता है, आर्गस आई, ईगल आई मतलब बहुत ज्यादा विजिलेंट अपनी शिकार के लिए, मम्मी रखती है। हाँ, जैसे आज मैंने पढ़ा के निकला, जैसे पढ़ा के निकला बारिश शुरू हो गई थी, और अब मेरे बच्चे भी आप ही लोग की तरह सब है, लैक्स, केयरलेस, सब वही है, सब बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं और बारिश होने वाली है, सब लैक है, केयरलेस है, अनवॉरी है, आप ही लोग की तरह बैठे हुए, बारिश होने वाली है, कपड़े नहीं उठा रहे, कपड़े नहीं उठा रहे। फिर मैं एकदम निम्बल होके गई, और निम्बल के साथ, एलैक्रिटी के साथ जाके कपड़े वगैरह सब उठाया, नींबू पानी पी के एकदम फुर्ती में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, ये जो आप लोग का लीड्स होता है ना, ये मैंने अपने घर में सोचा है कि सबका लीड्स ले लेके ना काट काट के खराब कर देना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम किया हुआ है घर घर की, ये सबसे बड़ा, आधा लोगों को तो घर में सुनाई नहीं देता है, ठीक है, आधा लोगों को घर में तो हमारे सुनाई नहीं देता, सब अपने अपने लगा के बिजी है कहीं ना कहीं, बच्चे बूढ़े सब बिजी है, सिर्फ मेरे को छोड़कर, सब मेरे को छोड़कर। और केयरलेसनेस तो पता है, फास्ट एंड लूज, फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है, सब अन अकेडमी जो लीड्स वगैरह वो क्या बोलते हैं उसको, बोट का आता है ना, वो बोट का क्या आया था, वो सब वो, मैं थोड़ी अन अकेडमी के, वो सब मैं थोड़ी यूज करती हूँ, वो सब वही लोग यूज करते हैं, ईयरफोन्स एंड ऑल हटा दिया है। तो फास्ट एंड लूज का मतलब भी होता है केयरलेस होना, हैंड ओवर हेड। अच्छा, एक आपने पढ़ा होगा हेड ओवर हील्स, मैंने आपको पढ़ाया है इस पे, जो ईडीएम वाली शीट करवाया था पिछले बच में, हेड ओवर हील्स, इसका मतलब क्या बताया था बताना, एक आंसर करेक्ट आ रहा है, हेड ओवर हील्स, यस, मैडली इन लव, ही इज मैडली इन लव, हेड ओवर हील्स, हेड के ऊपर हील्स आ गया है, मैडली, डीप लव, डीप लव। और ये है हेड ओवर हैंड, हेड ओवर हैंड होता है ना,
आप ऐसा करके कब हाथ रखते हो, जैसे इंडिया थोड़ा इंडियन स्टाइल में पढ़ते हैं, अरे ऐसे करते हो ना, हेड ओवर हैंड कब रखते हो, जब आपसे कोई गलती हो जाती है, लापरवाही से कोई गलती कर देते हो, ओ माय गॉड मैंने गलती, ऐसे टाइप से हेड ओवर हैंड रखते हो, मिस्टेक है तो लापरवाही से कोई छोटी सी आपकी लापरवाही से कोई गलती हो जाती है. और लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, चाइना के शॉप में बुल, तो लाइक अ बुल इन चाइना शॉप उन लोगों को बोलते हैं ना जो उत्साह तो बहुत दिखाते हैं, उत्साह बहुत दिखाते हैं, बट होते वो केयरलेस है. मतलब दिखाएंगे कि मैं बहुत उत्साहित हूँ, बट होते हैं वो कोई भी काम करते हैं ना केयरलेस वे में, चाइना की तरह. चलो अब हम अपने रूट वर्ड पे चलते हैं, फिर हम अपने रूट वर्ड में, कल मैंने आपको फिट वाला करवाया था, मैं आपका ये भी करवाऊंगा. चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं. सर भी एयरफोन लगाते हैं, आपको क्या समझ में आया, सबका अपना अपना लाइफ है. एक तो मैं अपने घर में शांति चाहती हूँ कि मेरी क्लास चलते रहती है ना, तो मैं एकदम शांति चाहती हूँ, हो सकता है उसी वजह से सब लगा के घूमते होंगे. हाँ मुझे एकदम शांति चाहिए. अपनी मेड वगैरह कोई बोल के रखती हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी घर में. हाँ कल मैंने फिट करवाया था ना आपको, फिट का मतलब क्या बताया था, बताया था कि फिट का मतलब होता है फेथ, ट्रस्ट करना किसी पे, वफादारी निभाना, ट्रस्ट करना. और फिड, ये सब बताया था, फिडो डॉग है, डॉग वफादारी के लिए जाना जाता है. चलो ये सब मैंने, हाँ अब मैं आपसे जो जो पूछ रही हूँ बताओगे. फिडिलिटी, अभी मैं स्लाइड नहीं लाऊंगी, रिविजन जरूरी है. इनफिडिलिटी, और फिर तीन वर्ड और एक वर्ड लिखा, परफिडी, याद भी तो करवाना है ना आपको, परफिडी. कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, कॉन्फिडान, एफिडेविट, और क्या बच गया, और भी कुछ बचा है, कॉन्फिडेंशियल, वो सब बचा है, वेरी गुड. कन्फाइड है, कन्फाइड मतलब अपने, मेलाफिडे बोनोफिडे, यस वेरी गुड. चलो वो भी लिखूंगी मैं. क्या बोल रहे, मैम न्यू स्टूडेंट हूँ तो मुझे 10% ही याद हो रहा है, बहुत याद हो रहा है. वैसे न्यू स्टूडेंट को सिर्फ 5% याद होना चाहिए. अभी समुद्र मंथन का आज तीसरा क्लास है, आपको 5% याद होना चाहिए था, लेकिन आपने तो 10 कर लिया भाई. मेरी तरह से आपको ग्रीन हैट, बहुत है, हो जाएगा सब. फिडिलिटी, इसमें फिड है, इसमें भी फिड है. फिड का मतलब है भरोसा, फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी, फेथफुलनेस, ठीक है, फेथफुलनेस, वफादारी का. और इन का मतलब, रूट वर्ड में इन का मतलब क्या होता है, इनका मतलब नो वफादारी, नो इनका मतलब नो, और फिड का मतलब ट्रस्ट, नो ट्रस्ट तो मतलब गद्दारी है, फेथलेसनेस. आप लोग ना सब चाहते हो कि एक ही दिन में सब याद हो जाए, जो इतने दिन से लगे हुए हैं. पर फिडी, पर वाला वर्ड भी बताया था ना, नेगेटिव. पर फिडी मतलब ये भी है जिसपे भरोसा नहीं है, गद्दारी. कॉन्फिडेंट, जिसको अपने आप पे भरोसा है, अपने आप पे ट्रस्ट है. और डिफिडेंट, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं, ठीक है, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है. और कॉन्फिडेंट, इसमें भी फिड है. अभी समझ में आ जाएगा मुस्कान, आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है ना क्योंकि हम लास्ट क्लास वाला रिवाइज कर रहे हैं. बस होल्ड योर हॉर्सेस, बस 5 मिनट ध्यान वेट करो, हो जाएगा. ये कॉन्फिडेंट का मतलब होता है भरोसेमंद व्यक्ति, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो. और ये जो फीमेल भरोसेमंद व्यक्ति, जिस मदर पे आप भरोसा कर सकते हो. और एफिडेविट मतलब वो सर्टिफिकेट जो ट्रस्ट वर्दी है, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो. कॉन्फिडेंशियल भी आपको पता है, ये सब कर लिया था. बोनाफिड सर्टिफिकेट्स का मतलब है वो सर्टिफिकेट्स जो प्रमाणित है, ऑथेंटिक है. और मैलाफिडे मतलब जो ऑथेंटिक नहीं है, नकली है. कल वाला है, ठीक है. आज हम नए वाले वर्ड्स करें. जब भी बैच अटेंड करने आते हो और आपको पता है कि आपका 2 क्लास मिस हो गया है, तो उस क्लास को कर लेना चाहिए ना, उस क्लास को अटेंड करके आना है ताकि आप एट पार रहो. अब आप कॉपी में लिखोगे, ऐसा थोड़ी है कि मैं नोट्स आपको ये कर दूंगी तो चुपचाप बैठे रहोगे. कॉपी में लिखोगे. फिडिलिटी लिखो कॉपी में. फिडिलिटी का मतलब है वफादारी. अब इसके सिनोनिम्स लिखो आप. श्याम भाई, फिडिलिटी का बताते जाओ क्या है. फेथफुलनेस, फिडिलिटी वैसे नाउन है, फेथफुलनेस वफादारी है. और बोलते जाइए. ऑनेस्टी अलग हो गया, ऑनेस्टी इज ईमानदारी, और दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंस है ही, ठीक है. फेथफुलनेस ट्रस्टवर्दी भी है, ट्रस्टवर्दी एडजेक्टिव है, ये मत डालो, ये सब नाउन है. आप बोलते जाओ फेथफुलनेस, और क्या क्या बताया है, और
आप कॉपी ढूंढ रहे होंगे. चलो फेथफुलनेस है, और यहाँ पे होता है एलिजियंस. आपने आपने ये वर्ड सुना होगा, आई ओ माई एलिजियंस टू माई कंट्री, कंट्री के प्रति मेरा एलिजियंस है, वफादारी है. तो ये एलिजियंस वर्ड ना, फिडिलिटी तो किसी में भी हो सकता है, कंट्री के प्रति भी और किसी रिलेशनशिप में भी. ठीक है, रुको एक बार अच्छा से लिख रही हूँ, यहाँ कॉपी में नोट करना, जो अलग अलग नोट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिडिलिटी, फिडिलिटी में लिखो, सिनोनिम्स लिखना. अभी हम सिनोनिम्स लिख रहे हैं फेथफुलनेस, ठीक है, फेथफुलनेस से ओबीजेंस लिखो. ओबी, ओबीजेंस वर्ड को कैसे याद करोगे, ओबे, ओबे करना मतलब आज्ञा मान रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसके प्रति वफादार हो, ड्यूटीफुल हो, ड्यूटी निभा रहे हो, कर्तव्य निभा रहे हो. और क्या क्या, लॉयल्टी तो सबको पता ही है, लॉयल्टी. और कंट्री के प्रति जो वफादारी होती है ना, फिडिलिटी तो कंट्री के प्रति भी हो सकता है और किसी रिलेशनशिप में भी, बट एलिजियंस हमेशा अपनी कंट्री के प्रति वफादारी. ओके, एलिजियंस हो गया. और बताओ होमेज, आप अपने कंट्री को रिस्पेक्ट पे कर रहे हो, होमेज दे रहे हो. और एक बहुत खूबसूरत सा वर्ड है फीएल्टी, फील, फील, फीएल्टी मतलब फीलिंग आ रही है दूसरे के प्रति, कैसी फीलिंग आ रही है, वफादारी वाली, वफादारी वाली, वफादारी वाली. और एक वर्ड लिख लो कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट रहना मतलब अपना पार्टी नहीं बदलना, कॉन्स्टेंट मतलब एक जैसा, उसी वर्ड से बन के आया कॉन्स्टेंसी. कॉन्स्टेंसी का मतलब भी होता है ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुलनेस लगाओ, ड्यूटीफुलनेस. कॉन्स्टेंट है भाई, एक ही पार्टी से टिका हुआ है, वफादार है. ओके, एक ही पार्टी से टिका हुआ, कौन कौन से ऐसे नेता है, लीडर है हमारे, जो मतलब कॉन्स्टेंसी जिसको आप बोल सकते हो, किसको, फीएल्टी भी याद रखना, उसकी फीलिंग्स वफादारी वाली है, धोखा नहीं देगा. राहुल गांधी, हाँ, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश, सब सब वफादार है. ये लालू वगैरह नहीं, मतलब सबने मिला, गठबंधन तो सबने एक दूसरे से किया है, सबने एक दूसरे से किया ही है. सोनिया गांधी, हाँ, सबसे वफादार है. केजरीवाल तो इज अ लिविंग लेजेंड, केजरीवाल तो एकदम लिविंग लेजेंड है वफादारी की. शशि थरूर, इनको वफादार लग रहे हैं, नाम ही रखा शशि थरूर के विक्टिम है. ममता दीदी, ये तो वफादारी हो गया, ठीक है, वफादारी हो गया. जहां इसका एंटोनिम्स लिखना, वफादारी का मतलब गद्दारी है, तो क्या होगा इसका, फेथलेसनेस, लिखते जाना, फेथलेसनेस. डिसलॉयल्टी, लॉयल नहीं है, डिसलॉयल है. और क्या लिखोगे, अभी फिड वाला एक वर्ड यूज करो, परफिडी. परफिडी का मतलब भी है ना, पराए कंट्री की तरफ, पराए कंट्री की तरफ वफादारी निकाल दिखा रहा है, अपनी कंट्री का गद्दार है, परफिडी है. और क्या होगा, इनफिडिलिटी तो हो गई, अच्छे अच्छे वर्ड्स अभी बचे हुए हैं. और एक होता है ट्रेचरी. ओके, ट्रेचरी, ट्रेचरी का मतलब भी होता है गद्दारी, गद्दारी. ओके, गद्दारी है. ट्रीजन, ट्रीजन वर्ड याद रखना, ट्रीजन, ट्रेजरी लूट लिया, खजाना लूट लिया, गद्दार है. बिट्रे करना मतलब धोखा देना, बिट्रेयल, बिट्रेयल. और सबसे खूबसूरत वर्ड है सेडिशन, सेडिशन. कैसे याद रखोगे सेडिशन को, और एक और है धोखा देना, परज्यूरी भी होता है. हाँ, इस वर्ड के बगल में ना ये लिख लो, परज्यूरी. अभी बोला था ना पर वाला वर्ड जनरली नेगेटिव होता है, देखो परफिडी, ठीक है, परफिडी, परफिडी देखो, परफिडी फिड वर्ड है, फिड वर्ड है. फिड का मतलब है धोखा, गद्दारी, गद्दारी है. ट्रेटर तो गद्दार है, उसीलिए मैंने ट्रीजन लिखा है, ट्रीजन वो तो गद्दार है. सेडिशन चार्जेस लगा दिया जाता है. एक मिनट, परज्यूरी, ज्यूरी मतलब जजेस, उसने जजेस को धोखा दिया, गलत गवाही देकर. और पर का मतलब तो नेगेटिव है, गलत, धोखा देना, धोखा देना. ये तो हो गया बिट्रेयल, हो गया फिडिलिटी, हो गया सेडिशन को याद रखो. और एक डिसीट भी याद कर सकते हो, डिसीट का मतलब भी है धोखा देना, धोखाधड़ी, डिसीटफुलनेस, डिसीट, धोखा, धोखा देना. यस, फ्लैग तो क्रिटिसिज्म हो गया, साहब ने अपना धोखेबाज और गद्दारी में डिफरेंस है. रुको रुको, सेडिशन वर्ड को कैसे याद रखोगे, सेडिशन का मतलब होता है धोखा, एकदम बहुत ज्यादा गद्दार. अच्छा, ये सेडिशन चार्जेस लगा दिया जाता है, देशद्रोही. हाँ, देशद्रोह को, द्रोही के चार्जेस, राजद्रोह, देशद्रोह, ये तो आपने सुना भी हो. ये सुना है सेडेटिव, ऐसे ऐसे याद कर लो. सेडेटिव, सेडेटिव क्या, किसको बोलते हैं, बेहोश करने वाली, नींद, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स, ऐसा ड्रग्स ना जिससे आपको नींद आती है, तो उसको सेडेटिव दे दिया, परिवार वाले को सेडेटिव दे दिया, सो गया, पूरा घर लूट कर चला गया, गद्दार व्यक्ति है, सेडेटिव दे के घर लूट लिया. और सेडिशन में ऐसे ही बोले, एडिशन, बुक का एडिशन नकली है, धोखाधड़ी है, बुक का नकली एडिशन, स्विंडल कर लिया, एडिशन धोखा है.
लिख लिया ये, अब चलो अब नए वर्ड पे, नए वर्ड पे आते हैं। नए वर्ड में तो लोक में तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। अरे वही है, देशद्रोह और राजद्रोही दोनों द्रोही है ना, दोनों गद्दार है। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं लोक। एल, इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स आप सीखोगे। LOC, फिर मैं स्लाइड पे आऊंगी। ट्रेटर मतलब गद्दार। इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स आप सीखोगे, बार बार रिवाइज करना, मेरे पढ़ाने से पहले पढ़ लेना है। LOQ, ये वर्ड जहां भी आ गया, LOC, LOQ, इसका मतलब होता है स्पीक, बोलने से रिलेटेड। ठीक है, स्पीक से रिलेटेड, स्पीक स्पीक है या टॉक है, टू स्पीक या टू टॉक उस सेंस में। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब है चुप्पी छोड़कर वार्तालाप स्टार्ट करना। आइस ब्रेकिंग सेशन होता है ना कॉलेजेस में भी होता है, आइस ब्रेकिंग सेशन, स्टार्ट द कन्वर्सेशन, साइलेंस खत्म करके। इंट्रूडर घुसबैठ को बोलते हैं, वो देशद्रोही नहीं। ठीक है, हाँ, स्पीक और स्पीक हो या टॉक हो या स्पीच हो, मतलब सेम ही है, स्पीच नाउन है और स्पीक वर्ब है। ओके, अब मैंने एक वर्ड लिखा आपका लोक्वेशियस। लोक्वेशियस वर्ड लिखा है, एक मिनट, और लोक्वेशियस वर्ड लिखा, सबका अलग अलग लिखेंगे। इसमें भी आपको लोक, एक मिनट रुको, लोक्वेशियस लिखा, फिर हम उस वर्ड पे भी आएंगे। मेली लोक्वेंट लिखा, फिर लिखा सोमनी लोक्वेंट, फिर लिखा मैग्नी लोक्वेंट। देखो छाप दिया शाम्भवी ने। ग्रैंडी लोक्वेंट, रुको रुको अभी उस पर आऊंगी मैं, सब एक बार बता दू, सब सब में लोक वर्ड है, टाइम वेस्ट नहीं करना, वही सब में लोक वर्ड है। यहाँ भी लोक वर्ड है ना, यहाँ भी लोक वर्ड। लोक का मतलब ही होता है कहना, बोलना। अब स्लाइड पे आओ, लोकवेशियस, लोक देख के आपको पता तो चल गया, लोक का मतलब है बोलना कहना। तो लोकवेशियस लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिसको हम बातू नहीं बोलते हैं। भाई हिंदी लिख लीजिएगा यहाँ पे, मैंने हिंदी भी बोला है, बातू नहीं, बातू नहीं, बातू नहीं, बातू नहीं, यस हाँ। और एलोक्वेंट, एलोक्वेंट में भी लोक है। एलोक्वेंट वर्ड को कैसे याद करोगे? एलोक्यूशन, आपके स्कूल में एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन होता है, एलोक्यूशन आपके स्कूल में होता है ना, एलोक्यूशन में ड्रामा स्पीच कॉम्पिटिशन होता है, आपको स्पीच देना होता है, और उसमें टीचर उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करते हैं ना, उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं, फ्लुएंसी होती है। तो एलोक्वेंट, एलोक्वेंट लोग किसको बोलते हैं? मोदी जी इज अ एलोक्वेंट स्पीकर। कभी भी देखा होगा ना कि मोदी जी को कभी भी फंबल करते नहीं देखा होगा। ओके, मोदी जी कभी फंबल नहीं करते हैं, एकदम सीधा बोलते हैं। तो मोदी जी हैज द गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब किसको बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ गैब, गैबी, गैबी लोग जो बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, जो बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, फ्लुएंसी होती है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बहुत लोगों के पास गिफ्ट ऑफ गैब होता है, बहुत अच्छे से बोलते हैं। ग्लिब, गुड एट टॉकिंग, बोलने में अच्छे लोग होते हैं, तो उसी को बोलते हैं। एलोक्वेंट में भी लोक वर्ड है। लोक का मतलब होता है पर्सन हु स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, क्लियरली, उसको एलोक्वेंट स्पीकर बोलते हैं। हाँ, और सोम का मतलब क्या है? सोम का मतलब है स्लीप, और लोक का मतलब है बोलना, जो नींद में बात करते हैं। ओके, जो नींद में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं सोमनी लोक्वेंट, सोमनी लोक्वेंट। नींद में उनको पता भी नहीं रहता है ना, उनको पता भी नहीं करता है। अच्छा, लोकवेशियस तो बता दिया, बातूनी, बातूनी। अब आप क्या करो, कॉपी कॉपी लेके बैठे हो ना, कॉपी लेकर बैठे हुए, तो यहाँ पे लिखो लोकवेशियस। लोकवेशियस लोग बातूनी होते हैं, ये बहुत बातूनी लोग होते हैं लोकवेशियस, और ये एडजेक्टिव है, तो इसका लिखना शुरू करो। अभी मैंने गिफ्ट ऑफ गैब बताया ना, तो गैबी, गैबी लोग भी बातूनी होते हैं। और वॉल्यूबल, वॉल्यूबल भी बोलोगे, वॉल्यूबल, वॉल्यूम बढ़ाता है, चैटी होते हैं, चैटी है, चैटर चैटर करेंगे, चैट बहुत करते हैं। वर्बोज होते हैं, वर्बल, वर्बल मतलब बोलना, वर्बोज होते हैं। और क्या होते हैं? गैरुलस, गैरुलस बोलते जाइए, इनके पास बहुत शब्द होते हैं बोलने के लिए, बहुत वर्डी है, एक लाइन को 10 लाइन में बोलेंगे। और बोलते जाइए, बोलते जाइए। रैम्बलिंग होते हैं, अभी सबको पढ़ने का बताती हूँ, याद करने का तरीका। इंट्रोवर्ट नहीं होते, टॉकेटिव तो चलो इजी है, नहीं, एम्बीवर्ट नहीं होते, टॉकेटिव होते हैं। हाँ, वोसीफरस नहीं होते, वोसीफरस तो चिल्ला चिल्ला कर बोलना। माउदी होते हैं, बहुत मुंह चलाएंगे, बहुत बात करते हैं। मटर करना तो बड़बड़ाना है। एक्सट्रोवर्ट तो बहुत मिलनसार होते हैं। रैम्बलिंग में ना, रैम्बलिंग में बातों को थोड़ा घुमा फिरा कर बोलना है, रैम्बल कर करके, रैम्बलिंग मत करो, रैम्बलिंग में बात को रैम्बल करना, इसको हटा दो, राउंड अबाउट वे में बोलना।
गैबी हो गया, वर्डी हो गया, चैटी हो गया, लोक्वेशियस लोग, गैरुलस गैरुलस, ठीक है, ये हो गया आपका बातुनी, ठीक है। अब इसका एंटोनिम लिखो माउथी, बहुत बोलते हैं, बहुत वर्डी है, इनसे एक पूछोगे ना 10 वर्ड में बता के बोलेंगे, चैटी है, वॉल्यूबल है, गैबी है, वर्बोज है, लोक्वेशियस है, बातुनी है। अब इसका एंटोनिम लिख लीजिए, एंटोनिम जो लोग बहुत कम बोलते हैं, जो लोग बहुत कम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लैटरर थोड़ी है, हाँ बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, बहुत रिजर्व्ड है, बहुत रेटिसेंट है, रेटिसेंट है। टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर चुप रहता है, टैक्सी टर्न है। और लेकोनिक है, बहुत कम में ही बहुत कुछ बोल जाना। और इंट्रोवर्ट भी चलो कम बोलते हैं। और बताइए और क्या है, टाइट लिप्ट है, हाँ टाइट लिप्ट है, लिप्ट है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, शाई, शाई अलग है, सक्सेंट है, मतलब वो तो संक्षिप्त में, संक्षिप्त में। मैन ऑफ स्ट्रॉ, यस वेरी गुड, मैन ऑफ स्ट्रॉ, अनकम्युनिकेटिव बोल सकते हो, वेरी गुड, जो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बातचीत बहुत कम करते हैं, अनकम्युनिकेटिव। स्टॉइक कहां से हो जाएगा, स्टॉइक थोड़ी होगा, इतना पढ़ लिया है ना सब। डम फाउंडेड का मतलब है आश्चर्यचकित होना, चलो ये तो बता दिया, ये हो गया। एलोक्वेंट का मतलब है बहुत स्पष्ट वक्ता, सोमनी लोक्वेंट हो गया, नींद में चलते हैं, जो नींद में बोलते हैं, सॉरी। मैग्नी लोक्वेंट किसको बोलेंगे, मैग, मैग का मतलब होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हो, छोटी चीज को बड़ा करके देखते हो ना, तो मैग्नी लोक्वेंट और ग्रैंडी लोक्वेंट, इसका मतलब होता है ना चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ओके, अ बॉम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोलना। और ब्लैंडी, मैंने ब्लैंड का आपको दो मतलब बताया था, ब्लैंड रूट होता है जिसका दो मतलब होता है, एक ब्लैंड का मतलब होता है टेस्टलेस, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं है, और एक ब्लैंड का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी करना, और उसी वर्ड से बना है ब्लैंडी लोक्वेंट, जो चापलूसी वाली स्पीच होती है ना, दूसरे की चापलूसी करने के लिए जो बोलते हो, ब्लैंडी लोक्वेंट, फ्लैटरी वाली स्पीच। मेली, मेल का, मेली वर्ड कहाँ से निकल कर आया, मेल, मेल का रूट हम अलग से करेंगे, मेल का मतलब होता है ना, मेल का मतलब होता है हनी, 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 हनी मतलब शहद, शहद बहुत स्वीट होता है, तो मेली लोक्वेंट लोग वो होते हैं जिनकी आवाज बहुत स्वीट होती है, बहुत स्वीट आवाज वाले लोग। देखो स्वीट आवाज अलग है, बट चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना या चापलूसी करना वो अलग, मेल इज स्वीट, स्वीट। वेंट्री लोक्वेंट, ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है 2017 के पेपर में, वन वर्ड में आया था, वेंट्री, वेंट्री लोक्वेंट। हाँ वेंट्री लोक्वेंट एक ऐसा स्पीच होती है ना, अ वे ऑफ स्पीकिंग, ऐसा लगता है कि बोल आप, इन विच अ पर्सन चेंजेस हिज और हर ओन वॉइस, इसमें वॉइस बदल के बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वो वॉइस उसके मुंह से ना निकल कर कहीं दूसरे जगह से आ रहा है, डब किया हुआ, जैसे कठपुतली शो में, कठपुतली शो में ना वो ऐसी आवाज निकाल के बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वॉइस कहीं और से दिया जा रहा है, वेंट्री लोक्वेंट। डेंटी, डेंट का मतलब होता है दांत, कुछ लोग की हैबिट होती है वो दांत दबाकर बात करते हैं, दांत दबाकर, तो ये एक स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, थोड़ा सा दांत को दबा के, अ पर्सन हु स्पीक्स विद क्लेंच्ड टीथ, डेंटी का मतलब है दांत, दांत, दांत गुस्से में, नहीं गुस्से में नहीं होते, उनके हैबिट ही होती है दांत दबाकर बात करने की, उसके उनकी बहुत लोग की हैबिट होती है। सरकम लोक्यूशन, अभी हमारे पास टाइम है, हो जाएगा, इतना मत घबराओ। लोक का मतलब है बोलना, और सर्कल मतलब सर्कल, बात को गोल गोल घुमाकर बोलना, बात को सीधा नहीं बोलना है, सरकम लोक्यूटरी वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब बात को गोल गोल घुमा के बोलना, बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना, मुद्दे पे नहीं आना, इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। राउंड अबाउट, जिसको हम राउंड अबाउट भी बोलते हैं, रैम्बलिंग, गोल गोल घुमाकर बात करना, ठीक है, जिसको हम, जिसको और क्या बोलते हैं, गोल गोल, राउंड अबाउट, गोलंबर, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, गोल गोल घुमाकर बात को कर रहे हो, सीधा मुद्दे पे नहीं यार। ऑब्लिक, बीट अराउंड द, सर्पेंटाइन, वेरी गुड, टॉर्चुअस वे ऑफ स्पीकिंग, ये अलग से करेंगे, ये सब अलग से वर्ड आपको मिल जाएगा, क्लैंडेस्टाइन और वो सब वर्ड में मिल जाएगा। सोलिलोक्वी, बस ये लास्ट है, सोलिलोक्वी, सोल का मतलब होता है अकेला, और लोक का मतलब है बोलना, कुछ लोग की हैबिट होती है ना जो अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी स्पीच, सुनने वाला कोई नहीं। और कोलोक्वियल, कोलोक्वियल स्पीच किसको बोलते हैं, जो आप रोज, हम अपनी आम भाषा में जिस स्पीच का यूज करते हैं ना, हाय ब्रो, व्हाट्सएप, हाउस लाइफ, इनफॉर्मल स्पीच, इनफॉर्मल स्पीच जो हम स्कूल और कॉलेज में टीचर के सामने नहीं यूज करेंगे, नॉर्मल इनफॉर्मल स्पीच, रोज कॉमन एक आम भाषा को बोलते हैं। ओब्लोक्वे, ओब का मतलब होता है नेगेटिव, और लोक का मतलब बोलना, किसी के लिए नेगेटिव नेगेटिव बोलना, इसका मतलब है निंदा करना।
ऐसा स्पीच, ऐसा अब्यूजिव लैंग्वेज, ओब्लोक्वाय मतलब एक अब्यूजिव लैंग्वेज है जिसमें आप सामने वाले की निंदा कर रहे हो। रैम्बलिंग का मतलब भी है बात को गोल गोल घुमाकर बोलना। हाय गाइस, व्हाट्सएप ब्रो वाला अब्यूजिव लैंग्वेज है। बस इंटरलोक्यूशन, इंटर आपके मूवी में इंटरवल होता है ना, मूवी के शुरू पार्ट को और लास्ट पार्ट को इंटरवल जोड़ता है। ओके, तो इंटर का मतलब है मिडिल, मिडिल, मिडिल मैन, मिडिल में बोलने के लिए लाया गया। अगर दो लोग के बीच में झगड़ा होता है ना, तो इंटर उसमें एक मीडिएटर लाया गया, इंटरमीडियरी या मीडिएटर लाया जाता है, बिचौलिया। जैसे बैंक और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बैंकिंग, RBI बैंकिंग ओम्बड्समैन को हायर करता है, वो आपके और बैंक के बीच में ग्रीवांसेस को सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, तो इंटरलोक्यूशन मतलब, इंटर मतलब जो बीच में बोलने वाला, झगड़ा हो जाता है तो बीच में कोई आएगा सुलह करवाने। एलोक्यूशन तो बता ही दिया, एलोक्यूशन में स्पीच कॉम्पिटिशन, पब्लिक जब पब्लिक स्पीकिंग जाके बात करते हैं। आर्बिट्रेटर भी वही होता है। अच्छा, एक चीज इसमें छूटा हुआ है, एक चीज आप ऐड कर लोगे, उसके बाद मैं फिक्स प्रेपोजिशन शुरू कर रही हूँ। प्रेपोजिशन कर रही हूँ भाई, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? अभी प्रेपोजिशन में कर रही हूँ, एक मिनट। आप इसमें ये लिखो, प्रोलॉग, प्रोलॉग लिखो, फिर लिखो, ये वन वर्ड में हेल्प करेगा, वन वर्ड में, मोनोलॉग, मोनोलॉग, फिर लिखो डायलॉग, और क्या बचा, एपिलॉग। ये सब कॉपी भी यूज होना चाहिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे न्यू न्यू कॉपी खरीद के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी तो कॉपी भरना होगा ना। ये यूज करना है, ये वाला छूट गया है, इसको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड में आ जाएगा, वन वर्ड में तो मिलेगा ही। प्रोलॉग, प्रो का मतलब है पहले, किसी भी ड्रामा का, किसी भी ड्रामा का जो शुरू का स्पीच होता है ना, इंट्रोडक्टरी स्पीच, इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ अ ड्रामा, शुरू में ड्रामा का जो स्पीच दिया जाता है वो प्रोलॉग है, और ड्रामा के अंत में, ओके, कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग मतलब जो अंत, और खास करके ये नॉवल का नहीं होता, स्पीच नॉवल में नहीं होगा ना, स्पीच तो ड्रामा में होता है। कंक्लूडिंग लिख लो, कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ अ ड्रामा, ड्रामा के अंत में जो स्पीच होता है वो हो गया। डायलॉग तो स्पीच बिटवीन टू पर्सन, डाई का मतलब ही होता है, तो स्पीच बिटवीन टू पर्संस, और मोनोलॉग में बस सिंगल स्पीकर होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अभी आपने सोलो लोक भी करवाया, अभी आपने सोलो लोक भी करवाया, तो सोल का मतलब भी तो अकेला, सोलो लोक भी में तो यहाँ भी तो एक ही स्पीकर है, और मोनो का मतलब भी होता है वन स्पीकर, सिंगल स्पीकर, और मोनोलॉग, मोनो का मतलब भी एक, मोनो में भी सिंगल स्पीकर है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? मोनो, अभी मोनोलॉग जैसे मैं बोल रही हूँ, बट आप लोग सुन तो रहे हो ना, कोई सुनने वाला तो है, बट सोलो लोकवी में वो अपने आप से बातें कर रहा है, सुनने वाला कोई नहीं, बट मोनोलॉग में लिसनर है, लिसनर। ठीक है, तो चलो ये हो गया, आप चलो चलते हैं हम, अभी मेरे पास 20 मिनट्स बचा हुआ है, परेशान हो जाते हैं मिस्टर बीन की तरफ। फिक्स प्रेपोजिशन पे, ये फिक्स प्रेपोजिशन है ना, ये ज्यादा टाइम नहीं लेना, आज नहीं खत्म हुआ ना तो नेक्स्ट क्लास में पूरा इसको खत्म कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, और है भी नहीं ज्यादा, इसलिए इसलिए क्योंकि ये करोगे ना तभी जाके आपका एक्सरसाइजेस बनना शुरू होगा। ओके, फिक्स प्रेपोजिशन इसी बैच के अपडेट में दे दिया है, याद करना होगा। और अभी देखो, अभी तो मैंने आपका काम आसान करने के लिए ना बहुत मेहनत कर करके एक जैसा वाला प्रेपोजिशन एक जगह दे दिया, बट इसके अलावा भी आता है, ऐसा थोड़ी है कि इसके अलावा भी अलग अलग है, मिल गया है। इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, प्रोलॉग के साथ टू आता है, कैसे याद करना है? आई वॉन्ट टू गो थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ द ग्रामर बैच, विच शुड आई गो, द फाउंडेशन, यू गो फॉर द फाउंडेशन, फाउंडेशन, ओके, इफ यू वॉन्ट टू सी दीडियो, यू कैन गो फॉर क्लासिक एज वेल, गो फॉर क्लासिक बैच, गो फॉर क्लासिक। फिक्स प्रेपोजिशन का नाम ही है फिक्स्ड, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, ये वर्ड अपने साथ ये प्रेपोजिशन लेता है। प्रूडिश का मतलब, प्रूडिश का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब समझदार, और प्रूडिश मतलब, प्रूडिश मतलब क्या होता है? हाँ, एथिकल लोग होते हैं, एथिकल, एथिकल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। बस अब थोड़ा सा वेट कर लो, अभी 23 तारीख का वेट करना है, क्लोस्टेस का भी बैच आ जाएगा, PQRS का आ जाएगा, पैसेज का आ जाएगा।
और ये सब ध्यान रखना है। और हमें देखो एक दो चीज ध्यान रखना है, क्योंकि जो बच्चे पुराने हैं ना उनको नहीं मन करेगा कि मैम डिटेल में फिर से पढ़ाए, लेकिन मुझे तो नए बच्चों का भी देखना है ना, मुझे तो न्यू बच्चों का भी देखना है। ये सोच के पढ़ाना है कि ये बच्चों ने ये वर्ड को कभी सुना नहीं है, ठीक है, ये बच्चों ने इस वर्ड को कभी सुना नहीं है, तो हमें तो डिटेल में ही स्टार्ट करना है, डिटेल ही करना है। चलो फ्रॉम, पहले तो ये सब छोड़ो, पहले ये देखो सेपरेट। सेपरेट का मतलब है अलग, किसी चीज से अलग होना। एब्सटेन, बुरी आदत, मतलब एब्सटेन का मतलब भी अलग होना, अपने आप को दूर रखना। रिफ्रेन का मतलब भी है, देखो यहाँ आपका वर्ड पावर भी इंप्रूव हो रहा है। आई एम डूइंग फिक्स प्रेपोजिशन, मैं ये बताना चाह रही हूँ ना, सब एक जैसा वर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, एक जैसा वर्ड यहाँ पे डाल दिया, वो अपने साथ फ्रॉम लेगा। कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस का मतलब निष्कर्ष निकालना, डिराइव का मतलब भी है निष्कर्ष निकालना, वैल्यू, ये अपने साथ फ्रॉम लेता है। यही बता रही हूँ मैं, बहुतों को ये पता नहीं चल रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। ओके, सेपरेट, सेपरेट करना मतलब अपने आप को किसी से दूर करना। एब्सटेन का मतलब भी होता है दूरी बनाना, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखना है। डिसिस्ट का मतलब भी है विरोध करना, दूर रहना। रिस्ट्रेन, अपने आप को रिस्ट्रेन करना भी अपने आप को किसी चीज से दूर, मतलब दूरी रखना, किसी गलत चीज की आदत में नहीं आना। प्रोटेक्ट करना भी अपने आप को बचाना। प्रोहिबिट करना भी, प्रोहिबिशन मतलब निषेध, आपको किसी चीज से अलग किया जा रहा है, रोका जा रहा है। प्रिवेंट का मतलब भी बचाओ, सेव का मतलब भी है बचाओ। हिंडर, हिंडर का मतलब भी होता है स्टॉप, हिंडर करना, अपने आपको कहीं रोकना, रोकना, ठीक है, सबका हिंदी वही है, रोकना रोकना रोकना, रोकना तो आता है ना सबको लिखने। डिबार, बार, बार मतलब बंधन, बार लगा देना, बाधित करना, किसी चीज से रोकना। डेटर, डेटर का मतलब नथिंग कैन स्टॉप मी, नथिंग कैन डेटर मी फ्रॉम अचीविंग माई गोल, तो डेटर का मतलब भी होता है स्टॉप, किसी चीज से रोकना, ठीक है। डिसवेड, परसुएड करना मतलब किसी को मनाना, और डिसवेड करना ना किसी को डिस्करेज करना, किसी काम से रोकना, रोकना। और डिटैच, डिटैच का मतलब होता है अलग करना, और अटैच का मतलब क्या होता है, अटैच का मतलब है जोड़ना और डिटैच का मतलब अलग करना, तो अटैच के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, हाँ विथ लगा देंगे, गलत है। द डॉक्यूमेंट्स, हम इंडियंस की हैबिट है ना ट्रांसलेट करेंगे, द डॉक्यूमेंट्स वर अटैच्ड विद द फाइल, ऐसा करके करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को फाइल से अटैच किया गया, जोड़ा गया, तो यहाँ पे अटैच के साथ टू लगाना, अटैच के साथ टू लगाना। और डिटैच का मतलब है अलग करना, डिटैच के साथ क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओ, फ्रॉम। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया था ना आज मैंने, एनेक्जर, एनेक्जर यूज किया था, एनेक्जर का मतलब भी होता है एडिशन, एनेक्स होता है ऋषभ, वो तो एनेक्स होता है कब्जा करना, ये एनेक्जर होता है ना अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स, तो एनेक्जर के साथ भी टू लगता है, एडेड टू। ओके, शुगर इज एडेड टू मिल्क, टू 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 होगा, बुक्स में भी एनेक्जर रहता है, यस। एनेक्सेशन का मतलब होता है कब्जा करना। मैंने अभी एक वर्ड आपका छोड़ा, क्यों छोड़ा इसको, गार्ड वर्ड मैंने छोड़ा था, गार्ड वर्ड मैंने आपको छोड़ा था, और जब मैं आज सुबह स्पॉटिंग एरर का क्लास ले रही थी ना तो वहां पे बताया था, कॉपी में लिखिएगा जो नया कॉपी बना के रखे, मैंने अभी तो बता दिया है गार्ड, गार्ड फ्रॉम एनिमीज, ये हमने फिक्स प्रेपोजिशन में किया है, आज सुबह किया था, और गार्ड अगेंस्ट योर मिस्टेक्स, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था। गार्ड के साथ फ्रॉम भी लगता है और गार्ड के साथ अगेंस्ट भी लगता है, ठीक है। एक तो गार्ड फ्रॉम का मतलब होता है ना गार्ड करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, अगर वाक्य में एनिमी से अपने आप को बचा रहे हो किसी व्यक्ति से तो फ्रॉम लगाओगे, बट एक होता है गार्ड अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट मतलब विजिलेंट रहो ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती, कोई पर्सन नहीं है जिसे आप बचा रहे हो अपने आप को, हाँ तो विजिलेंट रहो मतलब हाँ चैरी रहो, ये सब यूज करो, चैरी रहो, वॉरी रहो, हीडफुल रहो, अपने आप को गलत मतलब गलती होने से अपने आप को बचाओ, मतलब तत्पर रहो, केयरफुल रहो, केयरफुल। तो गार्ड अगेंस्ट अगर वाक्य में केयरफुल के सेंस में आए तो अगेंस्ट लगाना, बी केयरफुल ऑफ योर मिस्टेक्स। केयरफुल रहना है, वॉरी रहना है। फ्रॉम, कंक्लूड का मतलब क्या है, लिख लेना, गार्ड वाला लिख लो यहां पे, अपनी कॉपी में लिखो। रेमिस, रेमिस करना मतलब तत्पर रहना, बार रेमिस का मतलब क्या होता है, रेमिस का मतलब केयरलेस हो गया, वो तो केयरलेस हो गया, लिख लिया ना सबने। स्टॉप फ्रॉम, अपने आप को रोकना। अब देखना, मैंने लिखा यू शुड,
यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, अभी मैं सब ऐड कर दूंगी। मैंने ना यूट्यूब पे भी बहुत सारा पढ़ाया था, मुझे सबको एक साथ जोड़ देना है। यूट्यूब पे भी बहुत छोटे छोटे सेशंस लिया था, वहां पे बताया था मेट के साथ कभी नो प्रेपोजिशन, कभी मेट के साथ विथ लगा देना, और भी बहुत सारा यूट्यूब पे करवाया। मैं सबको एक साथ कंपाइल करके वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, क्या यहाँ पे फ्रॉम लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपको स्टॉप, आपको आपको स्मोकिंग को स्टॉप करना है। जो काम पहले से चल रहा है, जो काम पहले से चल रहा है उसको रोक देना है, ठीक है? लेकिन स्टॉप फ्रॉम का मतलब क्या होता है? अपने आप को काम शुरू होने से पहले ही अपने आप को किसी चीज से रोक लेना है, तब आप लगाओ। यहाँ तो प्रोहिबिशन है, आपको नहीं करना। नहीं, स्टॉप योर सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं। स्टॉप अगेंस्ट नहीं होता, अपने मन से नहीं लगाओगे कुछ। कंक्लूड करना मतलब क्या है? निष्कर्ष निकालना। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द फैक्ट? ओके, व्हाट डू यू डिराइव फ्रॉम? जैसे वैल्यू डिराइव करते हो ना, डिराइव फ्रॉम मतलब कोई भी चीज से कोई निष्कर्ष पे पहुंचना। डिराइव के साथ भी फ्रॉम करना, निष्कर्ष निकालना। डिराइव फ्रॉम, इन्फर, ये आ जाता है आपके इसमें पैसेज में। पैसेज में एक क्वेश्चन आता है ना, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज? पैसेज से आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो? पैसेज में क्या बोला गया, पैसेज का टाइटल क्या है? इन्फरेंस, इन्फरेंस। ऑब्टेन फ्रॉम भी कर सकते हो, ऑब्टेन फ्रॉम भी लिख लो। ओके, यू यू ऑब्टेन फ्रॉम लिख लीजिए, ऑब्टेन फ्रॉम लिख लो। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर, शुगर जूस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन। नहीं, इनकलकेट नहीं हो। इनकलकेट का मतलब होता है डेवलप करना, आपके अपने अंदर कुछ हैबिट वगैरह डेवलप करना है, वो अलग। ओके, ये है इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या है? इमर्ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, कोई भी चीज किसी चीज से उत्पन्न होना, ओरिजिनेट होना, ओरिजिनेट होना। स्टेम, स्टेम का मतलब तो तना होता है, लेकिन वो तो नाउन है। अभी हम फ्रेजल मतलब फिक्स प्रेपोजिशन कर रहे हैं। स्टेम फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम दिस मतलब ये चीज इससे उत्पन्न होके निकला। स्प्रिंग फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब भी होता है कोई भी चीज किसी से ओरिजिनेट होना। ना ना, इराडिकेट कहाँ से लगाओ? इराडिकेट का मतलब तो हटाना हो, पोलियो को इराडिकेट कर दिया। स्प्रिंग फ्रॉम, एमानेट, एमानेट का मतलब है कोई चीज किसी से ओरिजिनेट होना। अराइज, दिस अराइजेस फ्रॉम, ये चीज इससे उत्पन्न होता है। सबके साथ फ्रॉम लगेगा, सबके। अभी याद रखना है, याद रखना है, ये कौन याद करवाएगा? आप ही लोग को याद रखना है। विथ, फिल्ड, फिल्ड का मतलब है भरा हुआ। देखो इससे आप कितने सारे वर्ड्स याद करो। फिल्ड विथ, फिल्ड का मतलब है भरा हुआ। थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड का मतलब है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विद कस्टमर्स। अटैच के साथ टू लगता है, अटैच के साथ टू। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विद कस्टमर्स मतलब भरा हुआ। इन्फेस्टेड, इन्फेस्ट का मतलब भी होता है पूरा भरा हुआ, भरा हुआ। जो घर, जो घर है वो पूरे मक्खियों से भरा हुआ। इन्फेस्टेड विथ, इन्फेस्टेड विथ। यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ बहुत इनडिसिप्लिन स्टूडेंट भी आज मुझे दिख रहे हैं। भाई आपको जाना है, इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स भी दिख रहे हो, और ऐसी चीज को मैं जल्दी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अगर आप जाना है तो आप शांति से क्लास को क्विट कर दीजिए, शांति से क्लास को क्विट कर दीजिए। ये ना बाय बाय बोल के नहीं जाना है, नहीं तो दूसरे बार ब्लॉक हो जाओ, दूसरी बार ब्लॉक हो जाएंगे। क्योंकि मैं अपने क्लासेस में एक डेकोरम मेंटेन करती हूँ। शांति से चले जाओ ना, शांति से चले जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि मैम आप बस करिए। और जब को जब आप मुझसे इतने दिन से पढ़ रहे हो, आपको पता ही है कि मैं कभी भी क्लास को पहले तो खत्म करती नहीं। कभी साल में एक बार तबीयत ठीक नहीं हुई तो कर दिया, टाइम से ही होगा। तो बिना बाय बोले भी जा सकते हैं, इतना ज्यादा कर्टियस बनने की जरूरत नहीं है। लोडेड, लोडेड का मतलब भी भरा हुआ है, लोडेड का मतलब भी भरा हुआ। गिफ्टेड, गिफ्टेड का मतलब भी है भरा हुआ। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब भी है भरा हुआ। ही इज ओवरवेल्म्ड, ये लिख लेना एक मिनट। ये वाला लिखने वाला सेंटेंस है। ओवरवेल्म का दो मतलब होता है, एक तो ओवरवेल्म का मतलब होता है फिल्ड, फिल्ड। ही इज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय मतलब एकदम खुशी से भरा हुआ है। ही इज ओवरवेल्म्ड विथ सॉरो दुख से भरा हुआ है। ही इज ओवरवेल्म्ड विथ सरप्राइज आश्चर्यचकित है, ये हो गया। लेकिन लेकिन कभी कभी हम ओवरवेल्म्ड के साथ विथ तो लगाते हैं जब भरा हुआ सेंस में, बड़े दुख से भरा हुआ है। और एक ओवरवेल्म का मतलब होता है ना, ओवरवेल्म का मतलब है किसी के द्वारा डिफीट किया जाना, डिफीटेड, लॉस्ट, लॉस्ट, डिफीटेड। फ्लडेड विद, इज फ्लडेड विद कॉन्फिडेंस। ही इज बीमिंग, टीमिंग विद कॉन्फिडेंस। फ्लडेड है, फ्लडेड का मतलब एकदम भरा हुआ। रेप्लीट, यहाँ तो आपका वर्ड पावर भी इंप्रूव हो रहा है। डिप्लीट का मतलब होता है, डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और रेप्लीट का मतलब है एकदम फिल, रेप्लीट विद। इनंडेट, इनंडेट का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ आना, फ्लडेड विद। और सबसे ब्यूटीफुल है ना,
टीमिंग, टीमिंग का मतलब भी होता है टीम, टीम में मतलब एकदम प्रचुर मात्रा में, टीमिंग विद ब्रिलियंट आइडियाज, ये बहुत आता है एग्जाम. हिज हेड इज टीमिंग विद ब्रिलियंट आइडियाज, मतलब उसका दिमाग एकदम आइडियाज से भरा हुआ. हाँ अभी मैं लाऊंगी, लास्ट स्लाइड तो आपको दे ही दिया मैं. रेप्लीट, बिसेट, बिसेट के साथ भी विथ होता है, घिरा हुआ. क्राउडेड विथ, कंजस्टेड विथ. एंडोर्ड, एंडोर्ड मतलब गॉड ने आपको बहुत सारे टैलेंट से नवाजा है. ओके. डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब भी बाढ़. बर्डेंट का मतलब भी है, मतलब भरा हुआ है मुसीबतों से. बर्डेंट, बर्डेंट विथ, बोझ तले. ऑक्यूपाइड, कोई भी आप बोलोगे ना कि आज मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, बहुत ऑक्यूपाइड हूँ मतलब आज मैं पूरे दिन मतलब बहुत पैक्ड हूँ, बिजी हूँ, बिजी. ऑक्यूपाइड विथ, ऑक्यूपाइड विथ. ब्रिमिंग, जैसे ग्लास है, ये ग्लास है तो ग्लास को बोलते हैं ना, ग्लास को ब्रिम तक भर दो. ब्रिम का मतलब है एकदम ऊपर तक, ऊपर तक, एकदम ऊपर तक. ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, ग्लास फुल. टीमिंग भी बता दिया और क्राउडेड भी बता दिया. और एक और वर्ड लिख लो, रेप्लिनिश. जैसे रेप्लीट है ना, रेप्लीट है, रेप्लीट है, वैसे ये रेप्लिनिश का मतलब भी है भरा हुआ. सारे वर्ड का मतलब होता है ना फिल्ड विद, भरा हुआ, सेंस में जा रहा है. प्रैक्टिस बैच वगैरह सब होगा, सब होगा, सब होगा. इतना दुखी क्यों हो जा रहे हो? इसमें हमारा टारगेट है ना कि हम लोग को वर्ड पावर एकदम खत्म कर लेना है. अगर अगर ये सब करने चलोगे ना तो फिर ये सब छूट जाएगा. तो ये पूरा वोकैब का बैच रहने दो, फिर छूट जाएगा ये सब और फिर से दूसरा बैच आ जाएगा. पूरा इसको खत्म हो जाने दो, खत्म हो जाने दो. उसके बाद प्रैक्टिस बैच, एरर्स का बैच मिस कर रहे हैं सब. रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट करना मतलब सीमित कर देना. ये सब ना सबका मतलब एक ही है. ये सब मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे हैं ना कि मैम इसका भी निमोनिक बनाएं, ये सब का भी मतलब जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स. इसके लिए ना हमें अपने वोकैब बैच को कम से कम 2 साल का बनाना होगा, 2 साल का. इसका पीडीएफ डला हुआ है. कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब है सीमित कर देना. ही वॉज कन्फाइंड टू द 4 walls, उसको 4 दीवारी में सीमित कर दिया. ओके. लिमिटेड कर दिया. कॉन्स्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है संकीर्ण. कंस्ट्रिक्शन मतलब नैरो नहीं होना, बहुत संकीर्ण कर देना, कंस्ट्रिक्ट कर देना. रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन हटा दो, रेस्ट्रेन के साथ तो फ्रॉम होता है. रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब भी होता है कम कर देना. टाइड, टाइड, टाइड का मतलब भी होता है बांधना. ही वॉज टाइड, ही वॉज टाइड. अच्छा हाँ, ये मैं अलग से बताऊंगा, ये मैं अलग से बताऊंगा, रुको इसको रहने दो. और बाउंड, बाउंड का मतलब भी होता है एकदम बांध देना चारों तरफ से. वो सब मैं याद करवाऊंगी, कुछ तो अपने से भी याद करना होगा ना. ओके, पहले अब ध्यान दो. टाइट के साथ तो मैंने बताया कि टाइट के साथ 2 लगता है. कॉपी में नोट करना, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है, बहुत धोखा वाला है. टाइट टू द ट्री, पेड़ से बांध दिया गया. क्या चीज से? चेन्स में, चेन्स में. तो किसी, हाँ किसी चीज से बांध रहे हो ना, किसी इंस्ट्रूमेंट से, रस्सी से, किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को बांध रहे हो, रोप से, तो विथ लगाना, ठीक है. लेकिन ट्री से बांध दिया गया तो ट्री नहीं है ना, किसी चीज से जोड़कर बांध दिया गया तब टू लगाना. ही वॉज टाइड टू, जैसे ही वॉज टाइड विथ अ रोप टू अ ट्री, ट्री से बांध दिया गया. क्या चीज से? रस्सी से, तब विथ लगाना, तब विथ. यामी गौतम टाइड द नॉट, बापरे पूरा नॉलेज रखा है इन्होंने. यामी गौतम ने शादी भी कर लिया है, ये भी याद रखना है. पैरेलल, अच्छा टाइम अप हो गया. ओके, उसी के सब अल्लाह करे. चलो रहने दो इतना, अब हम मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे. यामी गौतम का पूरा नॉलेज रखा है ये हमें ना. कल मंडे को मिलेंगे तो पहले ही खत्म कर लेना है, ज्यादा नहीं है. खत्म हो जाएगा तो सीधा हम स्विच ओवर हो जाएंगे फिल अप द ब्लैंक्स. और जो मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन का फिल अप द ब्लैंक्स दूंगी, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है, वहीं से काम हो जाए. ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन.